बाजपुर को हरा भरा और फलदायी बनाने के लिए एक संस्था लगभग 4 सालों से बड़े अभियान को चलाकर बाजपुर को हरा भरा बनाने के लिए कार्य कर रही है। संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी मेजर सिंह सिंधु ने बताया कि वो बाजपुर को हरा भरा और फलदायी बनाने के लिए उनकी संस्था प्रयास कर रही है। अब 9.5 किलोमीटर तक पेड़ लग चुके हैं। आज भी हजारों पेड़ बाजपुर शहर में लगाए जा रहे हैं। बाजपुर शहर के लोग इनके इस कार्य को लेकर काफी उत्साहित हैं। साथ ही संस्था के अध्यक्ष और समाज सेवी मेजर सिंह संधू ने कहा कि भविष्य में भी उनकी संस्था बाजपुर को हरा भरा बनाने के साथ अग्रसर रहेगी। वहीं आज इस पौधारोपण कार्यक्रम में बाजपुर के SDM AP वाजपेयी के साथ बाजपुर के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने भी पेड़ लगाए हैं। लाइव उत्तराखंड के लिए बाजपुर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। हरित बाजपुर फलित बाजपुर एक कार्यक्रम आज से लगभग 4 साल पूर्व एक बनाया था कि जिससे बाजपुर हरा भरा हो सके और फलदायी हो पाए। इसी करके 4 साल पूर्व से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। बाजपुर शहर में पहले चरण में काम किया था, अब दूसरे चरणों में जो है बाजपुर से लेके भैंसिया मोड़ 7 किलोमीटर और बाजपुर से बरहनी तक कम से कम 9-10 किलोमीटर और बेरिया रोड पे गढ़री नदी के पुल तक ये लक्ष्य इस बार रखा है। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।